अभी जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे ये काफी लंबा मेथड है। अब आपको कुछ छोटे शॉर्टकट रूल्स बताए जाएंगे फॉर व्हाट डिफरेंशिएशन। अब हेडिंग डालो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स हैं कुछ, हेडिंग डालो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और नीचे लिखना हेडिंग रूल वन, रूल वन। क्या लिखा है? y टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n, सिंपल। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, dy बाय dx। तो देखो तरीका, देखो रूल ये है, जो पावर है वो लिखना है, फिर पावर में माइनस वन करना है, साथ में डीवाई बाय डीएक्स लिखना है इज इक्वल टू वो जो पावर है वो लिखना है और पावर में माइनस वन कर देना है। तो इससे क्या निकलेगा, डीवाई बाय डीएक्स। एक हम करके देते हैं, रुको, बोर्ड पे देखें आप लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई की पावर टू y की पावर टू, टू माइनस वन इज वन, dy बाय dx इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेर, थ्री एक्स स्क्वेर। क्यों? थ्री में से वन माइनस करोगे तो टू रहेगा। एक और करेंगे, रुको, ये क्वेश्चन वन हो गया। y की पावर अभी वन है, y की पावर कितनी है, वन, वन y, वन माइनस वन इज जीरो, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितनी है, वन बाई टू, वन बाई टू एक्स, वन बाई टू में से वन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो वन बाई टू माइनस वन विल बी माइनस वन बाई टू, एंड y टू द पावर जीरो विल बी वन, एनी नंबर टू द पावर जीरो इज वन। सो आंसर इज अभी रुको, अभी रुक जाओ, एक और प्रॉब्लम। सपोज ये है, अब वापस देखो, दिस विल बिकम वाई टू द पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स वन माइनस वन इज जीरो। अब मुझे बताओ वाई टू द पावर जीरो विल बी वन, अब इसको कैसे लिखोगे आप? सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस टू एक्स, इज इट क्लियर? सिंपल, पावर को लिखना है, फिर पावर में वन माइनस करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। प्लीज लिख लो,
लिख लिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आप कर, लिख लिया था, अभी आप करो। निकालो dy by dx, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx।